मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत की मौत 14 जून को हुई थी और उसके बाद मुंबई की हाई प्रोफाइल पुलिस ने कुछ ही दिनों में ये नतीजा निकाल दिया था कि ये मौत केवल आत्महत्या है। दिलचस्प ये है कि इस जांच की आड़ में मुंबई पुलिस ने फिल्मी जगत के अनेकों लोगों को बुलाकर पूछताछ की। ये बात दीगर है कि जांच का नतीजा जीरो रहा। इस मामले में हो हल्ला मचने के बाद सीबीआई को जांच के लिए मामला सौंप दिया गया। इस पूरे मामले को अगर सीबीआई को दे दिया जाए, मुझे पूरा विश्वास है कि अब दूध का दूध पानी का पानी होगा। सच उजागर हो, जल्द उजागर हो, पर अब सच्चाई जल्द से जल्द सामने आएगी। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी इस मामले में अपनी जाँच शुरू कर दी। एनसीबी की जो टीम है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिया के घर पे पहुंची एनसीबी की टीम। सुशांत सिंह राजपूत मामले में पिछले 6 महीनों के दौरान मुंबई पुलिस समेत 4 जांच एजेंसियों ने गहन जांच की और इस जांच का नतीजा वही रहा जो मुंबई पुलिस आरंभिक तौर पर कह रही थी। सीबीआई की अभी तक की जांच के दौरान भी सूत्रों का मानना है कि मौत केवल आत्महत्या थी। हालांकि सीबीआई इस बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ भी कहने से बच रही है। इन 6 महीनों के दौरान जांच का नतीजा भले ही जीरो रहा हो, लेकिन 4 एजेंसियों द्वारा किए गए जांच कार्य के दौरान जनता द्वारा चुकाए गए टैक्स का करोड़ों रुपया स्वाहा हो गया। सुशांत सिंह राजपूत मामले में जिन एजेंसियों ने जांच की वो हैं मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस, सीबीआई, ईडी और एनसीबी। आइए हम आपको बताते हैं कि आम जनता के करोड़ों रुपए कैसे और कहां स्वाहा हो गए। इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच में मुंबई पुलिस के 4 दर्जन से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी 2 महीने तक लगे रहे। 14 जून को सुशांत राजपूत की मौत हुई। 14 जून को ही मुंबई पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज की। 18 अगस्त तक जांच की। कुल 66 दिन मुंबई पुलिस ने जांच की। पुलिस मुंबई पुलिस कोई कॉपर सहयोग नहीं कर रही है। केवल राजकारणासाठी जर का तुम्ही आरोप करणार असाल तर हा नीचपणा आहे। नतीजा आएगा, निश्चित आएगा, क्योंकि ये केवल एक आदमी की लड़ाई नहीं है। बिहार पुलिस की जांच। 26 जुलाई को पटना के राजीव नगर थाने में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के खिलाफ FIR दर्ज। 27 जुलाई को बिहार पुलिस की टीम सुशांत मामले की जांच के लिए मुंबई पहुंची। 4 अगस्त बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। बिहार पुलिस ने 24 दिन जांच की, जिसमें 10 दिन जांच और 14 दिन कोर्ट में फैसले का इंतजार किया। इसी प्रकार प्रवर्तन निदेशालय की 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी इसी मामले की जाँच में लगे रहे। ईडी की जाँच। 31 जुलाई को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। 142 दिन से जांच जारी है। अभी तक फिलहाल कोई बड़ा सबूत नहीं, कोई बड़ी कार्रवाई नहीं। इस मामले में सबसे दिलचस्प और हास्यास्पद पहलू नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का रहा, जिसने अपनी तरफ से सुशांत मामले की जांच शुरू कर दी और उसकी एक विशेष जांच टीम लगातार दिल्ली से मुंबई और मुंबई से दिल्ली हवाई जहाज से आती जाती रही। इस वक्त हम रिया के घर पे मौजूद हैं और एनसीबी की जो टीम है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिया के घर पे पहुंची एनसीबी की टीम। जिस तरीके से लगातार जो चैट्स थी वो सामने आई हैं ड्रग्स को लेकर के, और अब एनसीबी की जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर रिया के घर पे पहुंचे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक गाड़ी ये है और उसके अलावा जो लोकल पुलिस है वो भी साथ में है। महिला अधिकारी यहाँ पर साथ में मौजूद है और जो पुलिस है वो पहले आप देख सकते हैं अंदर जा रही है। एनसीबी की जाँच। 26 अगस्त को एनसीबी ने सुशांत केस में ड्रग्स एंगल पर केस दर्ज किया। 116 दिन से जांच जारी है। 8 सितंबर को ड्रग्स मामले में रिया गिरफ्तार। 25 सितंबर को ड्रग्स मामले में अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह से पूछताछ। 26 सितंबर को दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान से पूछताछ। 13 नवम्बर बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन रामपाल से पूछताछ। 21 नवम्बर ड्रग्स मामले में कॉमेडियन भारती सिंह गिरफ्तार। 22 नवंबर भारती सिंह के पति हर्ष लिम्बाचिया गिरफ्तार। सीबीआई को ये मामला सौंपे जाने के बाद सीबीआई के लगभग
50 अधिकारी और कर्मचारी इसकी शुरुआती जांच में लगातार रहे और इसके लिए बाकायदा एक विशेष टीम दिल्ली से मुंबई भेजी गई। सीबीआई की जांच। 19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। 21 अगस्त से सीबीआई ने जांच शुरू की। दो बार मुंबई जाकर लंबे समय तक डेरा डाला। पहली बार लगातार 21 दिन जांच की। 123 दिन से जांच जारी है। गौरतलब है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी हो या प्रवर्तन निदेशालय या फिर सीबीआई, कोई भी इस मामले में अंजाम तक नहीं पहुंच पाई और अंततः इस मामले में जो मुंबई पुलिस कह रही थी वही तथ्य आज भी सामने है। सीबीआई की जांच में अब तक क्या हत्या या आत्महत्या के लिए अभी तक कोई सबूत नहीं। रिया द्वारा किए गए कथित 15 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का कोई सबूत नहीं। आत्महत्या के लिए अभी तक जांच में साफ नहीं कि किसने उकसाया। परिवार और कथित आरोपियों समेत 70 लोगों से ज्यादा से पूछताछ। एम्स एक्सपर्ट कमेटी ने हत्या से इनकार किया। अब इस जांच में शामिल सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की तनख्वाह, उनके हवाई जहाज से आने जाने का किराया, गाड़ियों का भत्ता, वहां रहने खाने का खर्च और उनका TADA भी जोड़ लिया जाए तो पूरा खर्च 5 करोड़ रुपए से ज्यादा बैठता है। इस मामले में एक सवाल यह भी उठता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जो जांच एजेंसियां सुमोटो एक्टिव हुई वो दूसरे मामलों में इतनी एक्टिव क्यों नहीं दिखाई दी, जबकि सुशांत सिंह की मौत के बाद अब तक 3 से ज्यादा हीरो हीरोइन आत्महत्या कर चुके हैं। आखिर जांच एजेंसियों के एक्टिव होने के पीछे क्या कोई राज छुपा हुआ था? ABP News आपको रखे आगे।